हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमर्स क्लासेस। पिला माने पूर्व वीडियो गुड़ी करे आमे माने दशम श्रेणी जीव विज्ञान बहीर षष्ठ अध्याय जननर चारोटी पार्ट को कवर करथिले। फर्स्ट पार्ट रे आमे माने समविभाजन प्रक्रिया, सेकेंड पार्ट रे अर्धविभाजन, थर्ड पार्ट रे आमे माने उद्भिदर केतेक लिंगीय जन अलिंगी जनन प्रक्रिया विषय डिस्कसन करथिले एवं फोर्थ पार्ट रे आमे माने टिश्यू पोषण विषय डिस्कसन करथिले। तो पिला माने आजिरो पार्ट रे आमे माने उद्भिद माने करूथिबा लिंगीय जनन प्रक्रिया विषय डिस्कसन करिबा। तो ए लिंगीय जनन प्रक्रिया पिला बुझापी बहुत जटिल होता है, टर्म गुड़िक पाने जापारती ना, एवं क्वेश्चन बारंबार परीक्षा पड़ आसी, चित्रटी बारंबार परीक्षा पड़े। तो यह आम मैंने आज वीडियो रे सिंपल भाव में बुझापी चेस्टा करवा। तो पिलाने डेरी नक वीडियोटी को स्टार्ट करवा। सो लेट स्टार्ट। तेबे पिला माने साधारणतः सपुष्पक उद्भिद बा जेऊ उद्भिदर फूल थाए एही सपुष्पक उद्भिद माने ही एही जनन प्रक्रिया करिथांती। तो उद्भिद रे आज आम जनन प्रक्रिया विषय पढ़ा जहाँकि लिंगीय जनन बुझीगला, अलिंगी जनन कभर कर सारे, आज आम लिंगीय जनन विषय पढ़ा। तो सपुष्पक उद्भिद बा फूल थिबा उद्भिद माने लिंगीय जनन करिथांती। तो आम मैंने जदि देखा तो उद्भिदर जिते सब जनन अंश सब रहा से जनन अंश गुड़िक सब फूल मध्य रही है। तो आम देखीद फुलर सब क्यों क्यों अंश थाए प्रथमे एवं तांको भितर जनन अंश गुड़िक क्यों गुड़िक। तो फुलर अंश गुड़िक देख, प्रथमे आम जब देखा वृत्तिमंडल, ए वृत्तिमंडल को आम क्यालिक्स कहते। वृत्तिमंडल कौन आमर देखि पाने जिते बड़े गोटे कढ़ सृष्टि हुए से कढ़ भितरटा रंगीन थाए कि प्रथम गोटे ग्रीन कलर जिनस घोड़े रखी थाए जहाँ को आम कढ़ कौन से कढ़ जो ग्रीन कलरटा थाए आम समस्ते वृत्तिमंडल कहते। वृत्तिमंडल क्या घोड़े रखे ना दलमंडल को बा पाखुड़ा मानर समाहार को आम दलमंडल कहते, करोला कहते। आम घोड़े रखी किए वृत्तिमंडल बुझीगला। तो फुलटा जिते बड़े धीरे धीरे फुटी जाए वृत्तिमंडल से छोट हो तले रही जाए एवं दलमंडलटा बड़ हो जाए खोली जाए बुझीगला। तो ये जो दलमंडल काम कौन, ये दलमंडल आमर विभिन्न इनसेक्ट मानक जमीक महुमाछी भर एम सब आकर्षण कै कहीं आकर्षण कै आम आगे डिस्कसन करवा बुझीगला। यह विभिन्न प्राणी मानक आकर्षित करने रही है कौन ना दलमंडल। आम वृत्तिमंडल कार्य कौन ना, यह आम जो कढ़टा फुलर भल भाव बढ़ी न था यह प्रोटेक्ट कै ढाक रखी थाए। तापर आसीबो पुंकेसर चक्र आउ गोटे होगा फलिका चक्र। ये जो पुंकेसर चक्र आउ फलिका चक्र होउची फुलर जननांश बा उद्भिदर जननांश बुझीगला। तो पुंकेसर चक्र जहाँ पाखे थाए आम पुरुष फूल बोली कही थांती बा मेल प्लांट बोली कही थांती, जहाँ पाखे फलिका चक्र थाए आम फीमेल प्लांट बोली कही थांती बुझीगला। तो आम जदि लक्ष्य करिबा एही पुंकेसर चक्रर दुईटी पार्ट थाए बुझीगला। दुईटी पार्ट है कौन, गोटे होगा पराग दंड आ गोटे पराग पेटिका। यही पराग पेटिका भितर आम छोट छोट पराग रेणु मैंने रही था, से पराग रेणु मैंने शुक्राणु को सृष्टि करार क्षमता रखि था बुझीगला पाने। तो जहाँ पाखे आम यही पुंकेसर चक्रटी देखिले आम मेल प्लांट बोली कहवा बा पुरुष फूल बोली कहवा बुझीगला। तापर जदि देखा आमर फलिका चक्र, फलिका चक्रर से तीनोटी पार्ट थाए कौन कौन हो जाए ना गर्भ शीर्ष जो लंबा अंश रही गर्भ दंड एवं जोटा फुली जाए गर्भाशय कहते। यार तीनोटी पार्ट रही है, यह विषय आम आगे डिस्कसन करवा भल भाव बुझीगला। तो पाने जहाँ पाखे पुंकेसर चक्र थाए आम कौन कह मेल प्लांट बा पुरुष फूल, जहाँ पाखे फलिका चक्र अच्छी आम फीमेल प्लांट बा स्त्री फूल बोली कही था। तो पिलाने वर्तमान आम जानवा एकलिंगी फूल कौन एवं दुईलिंगी फूल कौन। तो जो फूल पाखे केवल पुंकेसर चक्र थाए किंबा केवल फलिका चक्र थाए आम एकलिंगी फूल बोली कहवा बुझीगला। उदाहरण जब देखा एकलिंगी फूलर कखारू कहीपार, अमृतभंडा कहीपार, बोईतालु फूल कहीपार। तो तुम्हें माने समस्ते बोईतालु फूल तो देखि थिबो, बोईतालु फूल रे देखि थिबो तुमर जो उद्भिद रे देखिबो आमर तार जो फूलर तलपटे देखिबो टी गोल हेकी बाहरी थाए तार गर्भाशयटा देखाउ थाए से फूल को आम फीमेल प्लांट बोली कहवा। और जो उद्भिद पूरा प्लेन थाए तार से गोल जिनसटी न थाए गर्भाशय न थाए आम कौन कह मेल प्लांट बोली कहवा। यहीपर भाव में तुम लक्ष्य करी तुम्हें कौटा आमर मेल प्लांट हो बा कोटा फीमेल प्लांट हो तुम्हें माने चिन्ही पारिबो। तो पिला माने आमे जानी पाइले एकलिंगी फूल कौन बा जेऊ फूल रे केवल पुंकेसर चक्र थाए बा केवल फलिका चक्र थाए आमे
एकलिंगी फूल बोली कही था तापर से भली दुई लिंगी फूल कौन जो उद्भिद उभय पार्ट थाए माने पुंकेश्वर चक्र भी थाए फलिका चक्र भी थाए दुईटा जाक जो फूल रही था आम कौन उभय लिंगी फूल बोली कही था दुई लिंगी फूल बोली पार उदाहरण जब देखा आमर सोरस हो पारे मंदार हो पारे ये सब होगले आमर दुई लिंगी फूलर उदाहरण पिलाने आम फूलर विभिन्न अंश तो जाणने कोगुड़िक मेल प्लांट ता विषय जाणिले कोगुड़िक फीमेल प्लांट से विषय में जाणिले वर्तमान आम गोटे टर्म बुझा परागण कौन तो परागण आमर एटा जेहेतु लिंगीय जनन ए लिंगीय जनन रे आमर जनन कोष मानकर कौन घटे ना समायन घटे मिशंती तो जनन अंश कहले दि प्रकार थाए गोटे होगा आमर पुंजुग्मक आ गोटे होगा स्त्री जुग्मक पुंजुग्मक मुझे शुक्राणु स्त्री जुग्मक हूँ डिंबाणु तो यह शुक्राणु आ डिंबाणुर मिलन घटवताकू आम आगू पढ़ा तो सर्वप्रथमें देख एठारे समायन पूर्व परागण बोली गोटे प्रक्रिया हुए तो ये परागण केवल आम उद्भिद मानक देखा जाए देख परागण कौन तो प्रथम देख आमर जो शुक्राणु रही ये कौटी अच्छे शुक्राणु थाए पराग रेणु भितरे पराग रेणु रही कौटी ना आमर जो पुंकेश्वर चक्र अच्छी पुंकेश्वर चक्र भितर पराग पेटिका अच्छी से पराग पेटिकार रही पराग रेणु तो वर्तमान आमर जो डिंबाणु रही डिंबाणु कौटी अच्छी डिंबाणु अच्छी फलिका चक्र भितर जदि आम देखा गर्भाशय अच्छी गर्भाशय भितर गोटे भ्रूणाशय अच्छी और से भ्रूणाशय भितर आम डिंबाणुटी अच्छी बुझिपाल कौन कौन कहले पाने कौन है आमर जो फलिका चक्र भितर गोटे गर्भाशय अच्छी गर्भाशय भितर गोटे भ्रूणाशय अच्छी से भ्रूणाशय भितर आम डिंबाणु रही तो ये डिंबाणु पाखक शुक्राणु जीव ताने शुक्राणु अच्छी क्या भितर पराग रेणु भितर पराग रेणु को आसवाक पड़ो ये गर्भाशय पाखक तो गर्भाशय पाखक जावा पूर्व से प्रथम गर्भ शीर्ष को आसे तो आमर पुंकेश्वर चक्रर पराग रेणु विभिन्न मध्यम आसिक गर्भ शीर्ष उपर पड़े यही प्रक्रिया को आम मैंने परागण बोली कही था कौन कही था पाने परागण बुझेगा तो पराग रेणु विभिन्न मध्यम आसी फूलर गर्भ शीर्ष पड़ता है यह आम परागण बोली कही था तो पाने परागण जदि देखा यह मुख्यतः दुई प्रकार होता है गोटे होगा स्वपरागण आ गोटे होगा परपरागण तो स्वपरागण कौन पाने देख स्वपरागण कहले आम मैंने दुई लिंगी फूल कथा बुझे जहाँ निजर पुंकेश्वर चक्र थाए निजर फलिका चक्र थाए धर से ही फूलर पराग रेणु कौन है से ही फूलर गर्भ शीर्ष आसिक पड़ा निजे निजे कौन कला से परागण करेला प्रक्रिया को आम स्वपरागण बोली कहवा गोटे फूल अच्छे से फूलर निजर कौन अच्छी पुंकेश्वर चक्र अच्छी निजर फलिका चक्र अच्छी तो से ही जो पुंकेश्वर चक्र जो पराग रेणु अच्छी से ही पराग रेणु आसिक जदि तार गर्भ शीर्ष पड़ा ताकू आम स्वपरागण बोली कहतापुर आम बुझा परपरागण कौन परपरागण कहले देख एठारे गोटे मेल प्लांट रहिला जहाँ पाखे केवल पुंकेश्वर चक्र अच्छी स्त्री केशर चक्र बा फलिका चक्र ना आउ गोटे प्लांट को जो देखा ताकि फलिका चक्र अच्छी तो एठारे जो फलिका चक्र आमर परागरणु तो निजे सृष्टि कर पारनी तो आपको डिपेंड करा पड़ो पर प्लांट उपरे आउ गोटे प्लांट उपरे बुझीला तो एठारे वर्तमान पुंकेश्वर चक्र अच्छी ए फूल पाखे ए फूल पाखे आमर फलिका चक्र अच्छी तो एठारू परागरणु ए स्थान को आसब तो ये स्थान को आसवापी हेले से डिपेंड करा पड़ो क्या ना विभिन्न प्राणी मान वायु उपरे बा विभिन्न कारक उपरे निर्भर करिया पड़िबो तेणुकरी से माने चाहंती आम पाखक प्राणी माने आसंतु एवं आम को स्पर्श करंतु स्पर्श करिबा द्वारा एहा द्वारा से मानकर परागरण पळेबो एवं जाईकी मे बी तांकर जो फीमेल प्लांट अच्छी ता पाखरे जाईकी पहुंची जीव तेणुकरी से माने निजर पाखुडा को कोन करथांती अत्यंत सुंदर बनै थांती जहाँ को आमर दलमंडल बोली कहितांती सेई फुलर रंगीन जो थाए सेई दलमंडल रंगीन होइथिबारु ताहा कोन करे समस्त को आकर्षित करिथाय एवं फुलर एक बासना मध्य रहिथाय आकर्षण करिवार सेथिपाय आमे माने समस्त फुल आडु को आकृष्ट होइके जाईथांदे एवं फुल को स्पर्श करंती आम शरीर रे परागरणु माने लागि जाय बुझियाला लागिला पर जदि आमे गोटे भौंर कथा कहिबा तो आमे देखथिबा भौंरर कार्य कोन प्रत्येक फूलर ए फूलर से फूल को जाकि मधु संग्रह करे मधु मध्य फूल रखी था कारण से जानी था जे महुमाछी आसीबो एवं बारंबार बारंबार ए फूलर सब बसिले कौन हम ना पराग रेणु को ट्रांसफर कर बुझीगला तो यार महुमाछी मैंने कौन कले ना आमर पुंकेश्वर चक्रर महु संग्रह कले गोड़े लगला कौन पराग रेणु सब तो बर्तमान से ही जातिर सेम जातिर अलग जातिर हेले हम ना धर एठार जो जातिर फूल अच्छे से ही जातिर आउ गोटे फूल पाखे जाते महुमाछी बसब
ता गोड़े लगी परागरेणु वर्तमान आणिकी से गर्भशीर्ष से छाड़देला जहाँफल वर्तमान एठार परागण प्रक्रिया संपूर्ण होला। आमर वायुमाध्यम परागरेणु उड़ी आसीपा विभिन्न मनुष्य मध्यम उड़ी आसीपा तो साधारणतः बेसिकाली आम महुमाची भर मैंने प्रक्रिया को संपादन करते तो पाने देख एठार उद्भिद को पर उपर निर्भर करने को पड़ूबे पर परागण बोली कहले जहाँ कि वायु महुमाची इत्यादि भर ताध्यम ये परागण घटला तेणुकर पर परागण कहले बुझीगे पे स्वपरागण कौन सेम उद्भिदर पुंकेशर चक्र थी फलिका चक्र थी तार परागरणु आसिक तार गर्भशीर्ष पड़ा कहले स्वपरागण जदि गोटे फुलर पुंकेशर चक्रर परागरणु फलिका चक्र से ही जातिर फलिका उद्भिदर फलिका चक्र जदि विभिन्न वायु मध्यम होमर भर मध्यम होमरम जदि आसिक पड़ा तेज यहाँ आम परपरागण बोली कही था तो पाने वर्तमान आम देखा एठार आमर जो रहा परागरणु गर्भशीर्ष वान्स लगिगला छाड़ी जापे ना कारण आमर गर्भशीर्ष गोटे अठाड़िया पदार्थ थाए जहाँकि सर्प शर्करा विभिन्न जैविक अम्ल ये सब मिसिकी एठार गोटे अठाड़िया पदार्थ सृष्टि करते जहाँफल जितेबाला परागरणुटी लगि जाए आगरणु से छाड़ी जापे ना कि से प्रकार जिनस आमर पराग पेटिकार न थाए तो पराग पेटिकार आराम से परागरणु पलैसे कितु गर्भशीर्ष वान्स लगला मैंने छाड़ी जापे ना बुझीगला पाने वर्तमान आम आगामी प्रक्रिया बुझा बर्तमान परागरणु आमर आसिक पहुँची जाइए गर्भशीर्ष एठार किपर भाव परागरणु शुक्राणु बाहर एवं ताहा गर्भाशय भितर जो भ्रूणाशय अच्छी ता भितर जो डिंबाणु पाखु केमी गति करके समायन करेंगे से विषय पढ़ा पूर्व आम प्रथम यही जो फलिका चक्र अच्छी यार गठन को टी भल भाव बुझा कारण यार चित्र बारंबार परीक्षा पड़े चित्र सहित आमको नामांकित चित्र पड़ी था आम यार ना को भल भाव जाणी कारण एठार पिला बहुत कन्फ्यूज ये ना गुड़ी को मन रखापे तो सर्वप्रथम यार गठन को बुझी ना तापर आम समायन प्रक्रिया बुझा पिलाने वर्तमान आम यही फलिका बा गर्भाशय आमर जो स्त्री केशर चक्र बा फलिका चक्र रहिला यार गठन को बुझा चेष्टा करिबा तो आमे माने देखिथिले आमर फलिका रो आमर तीनोटी अंश रही था जहाँकि गोटे गर्भशीर्ष ये जो लंबाड़िया अंशटी रहा है आम गर्भदंड कहवा गोल अंशटी को आम गर्भशीर्ष कह तो पाने सर्वप्रथम यही तीनोटी अंश तुम इजिली ड्र कर गर्भशीर्ष गर्भदंड आमर गर्भाशय तीनोटी पार्ट मन रहा तो आमर ये गर्भशीर्ष परागरणु आसिक पड़े बुझेगा आमर ये गर्भदंड रहा यह बड़ करके फांका रखि थो कारण आ भितर आम परागनली गति करवा बुझेगा तो बर्तमान पलि आस गर्भाशय ये गर्भाशय भितर कौन कौन था पा बुझापी जटिल होता है तो सर्वप्रथम पे जाण गर्भाशय मध्य गोटे डिंबक अच्छी कौन अच्छी डिंबक डिंबक गोटे लेयार रहा बुझिपाल ये जो डिंबक अच्छी ये डिंबकटा आमर गोटे वृंत जरिया गर्भाशय सहित संयुक्त हो रही तो देख तलू जो गर्भाशय सागर गोटे कौन अच्छी वृंत जरिया ये डिंबकटा संयुक्त होनी डिंबक भितर अच्छी गोटे डिंबकाया कौन अच्छी डिंबक भितर डिंबकाया बुझ भल कि गर्भाशय गर्भाशय भितर रहा डिंबक डिंबक भितर रहा डिंबकाया बुझीगला ये डिंबकाया को लगिक आउरी गोटे दुटा आच्छद ताक रही क्या उपरे ना डिंबकाया गोटे बा दुटा आच्छद रही ये जो सब आच्छद रहा ये सब आच्छद जो जगार मिलित होती पूरा कम्प्लीटली मिशुना ये जगार गोटे रंध्र रखुं कहीं रंध्र रखुं शुक्राणु को गति कराइबापी पुजुग्मक को गति कराइप गोटे रंध्र रखुं से ही रंध्र को आम मैंने कही बीज रंध्र कौन कही था बीज रंध्र जो रंध्र दे कि आमर ये पुजुग्मकटा या भितर प्रवेश कर बुझिपाल तो वर्तमान देख आउ थे गर्भाशय गर्भाशय भितर रहा डिंबक डिंबक भितर रहा डिंबकाया एवं डिंबकाया को आवृत करके रहा गोटे बा दुईट आच्छद ताऊपर रहा यह आच्छदर मिलन स्थान जो मिशुचान से गोटे रंध्र अच्छी जहाँ को आम बीज रंध्र बोली कहले पाने तो ये सरला ना पुणी से डिंबकाया भितर आउरी गोटे अच्छी कहले भ्रूणाशय ये सरीगला भ्रूणाशय भितर कौन कौन अच्छी आम देखा तो रहा आमर कौन भ्रूणाशय बुझीगला आउ थे देख तो जो भ्रूणाशय रही भ्रूणाशय सबा तल आड़ को देखा आमर ये गोटे डिंबकोश थाए बा डिंबाणु थाए बुझीगला जहाँ आमर स्त्री जनन अंग बुझीगला तो ये जो डिंबाणु पाखरे दीटा सखी था
ता पाखापाखि जहाँ को कहते आम सहायक कोष बुझीगला। तो डिंबाणु डिंबा डिंबकोष पाखे आमर दुईट था पाखापाखि सहायक कोष से ही भ्रूणाशयर ओपर आड़ को जदि आम देखा तीनोटी कोष पाखापाखि था कहते प्रतिमुख कोशिका मन रख पे कौन कहते प्रतिमुख कोशिका सबा तल भाग तीन जन रे ओपर भी तीन जन रे ऊपर तीन जन हो गले प्रतिमुख कोशिका कि तले जो रे जड़े मेन रहा दुटा सहायक कोष रे बुझीगला। तो मेन है कि डिंबकोष बा डिंबाणु आउ जो दु जन साइड रे कहले सहायक कोष ओपर कौन रे तीन जन जाक प्रतिमुख कोशिका जदि मझी की देखा दीटा न्यष्टि बुझीगला पाखापाखि लगिकी रही थामें कहते मेरु न्यष्टि यही मेरु न्यष्टि आमर जिते समायन हम शुक्राणु गति करके आसुव तार ठीक पूर्वर ये दुटा मेरु न्यष्टि मिसीजे मिसिकी मेरु न्यष्टि होजे कौन द्वितीय कन्यष्टि आगे थे मेरु न्यष्टि मिसीजापर हो जाती कौन द्वितीय कन्यष्टि। तो आम आगू यह सब विषय पढ़ा तो पाने थे देखनी भ्रूणाशय भितर कौन कौन रहा गोटे डिंबकोष तार दि साइड दुटा सहायक कोष ओपर आड़ को जब देखा तीन जन कौन रे प्रतिमुख कोशिका एवं ठीक भ्रूणाशयर मझिया मझी दुटा न्यष्टि पाखापाखि लगिक रही था जहाँ को कहले आम मेरु न्यष्टि यह समयन ठीक पूर्व मिलित हो परिणत हुए कौधे ना द्वितीय न्यष्टि बर्तमान पाने आम पलि समयन प्रक्रिया को पिलामाने वर्तमान आमे पळे आसीबा समायन प्रक्रिया को। तो एठार लक्ष्य कर आमर परागरेणु गर्भशीर्षरे पड़िला पड़ा पर यार जो बाहर आवरणटी अच्छी यह फाटी जाए एवं भितर थिबा आवरणटी गोटे नली आकार बाहरे यही नली को आमे माने पराग नली कहती। तो देख ये पराग नली रही गर्भदंड मध्य प्रवेश करी धीरे धीरे यह बड़ हो गति करे कुआड़ को ना भ्रूणाशय डिंबाणु आड़ को बुझीगला। तो वर्तमान आमर यह भितर आमर जो कौन अच्छी पराग रेणु भितर गोटे कोष अच्छी ये कोष सर्वप्रथमे विभाजित हो दुईट कोष सृष्टि कै गोटे होगा अंगीय कोष आउ गोटे होगा जनन कोष पराग रेणु भितर जो कोष थाए यह विभाजित हो दुईट कोष सृष्टि कै गोटे होगा अंगीय कोष आ गोटे होगा जनन कोष यही जनन कोष विभाजित हो दुईट पुंजुग्मक सृष्टि कै एवं अंगीय कोषर विभाजन फल परागनेलुटी परागनली धीरे 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 वृद्धि हुए यार कोष संख्या बढ़िकी यह कौन हुए धीरे धीरे वृद्धि हुए बुझीगला पाने आमर ये जनन कोष दुईट कौन सृष्टि कला दुईट पुंजुग्मक। तो आम जदि लक्ष्य करवा जो परागनली रही ये परागनली भितर कौन कौन अच्छी ना दुईट पुंजुग्मक अच्छी सहित गोटे नली न्यष्टि थाए जो नली न्यष्टि आमर पुंजुग्मक को रास्ता देखाई थाए ता सहित आमर एटी किछि कोष रस बा साइटोप्लाज्म रही था जहाँ कि आमर शुक्राणु माने शुष्क परिवेश रे गति करि पारंदिनी एहा को एक आर्द्र बा आमर ओदालिया परिवेश देई थाए कौन एही साइटोप्लाज्म बा कोष रस बुझीला कौन कौन रहिला आमर परागनली मध्यरे दुईट पुंजुग्मक आउ गोटे नली न्यष्टि आउ किछि तरल पदार्थ बा कोष जीवक एठारे आमे देखिबा को पाइबा। तो एठारे पुंजुग्मक दुईट आमर गति करिकि आसंती कोठिकि आमर जो भ्रूणाशय रही भ्रूणाशय भितर जो डिंबाणु अच्छी बा आमर डिंबकोष अच्छी ताकू आसी था। तो जितेबाला परागनली आसिक भ्रूणाशय सहित लगे से परागनली जो अग्रभाग रही फाटी जाए जहाँफल ये दुईट जाक पुंजुग्मक आमर भ्रूणाशय मध्य प्रवेश करती। तो भ्रूणाशय मध्य को आमर शुक्राणु दुईट प्रवेश करने जो नली न्यष्टि परागनली मध्य से नली न्यष्टि नष्ट हो जाए बुझीगला। एमध्य परागनली कार्य सरीगला परागनली काम थी कौन ओपुरु गर्भ शीर्षरु पुंजुग्मक मानक आणिकी भ्रूणाशय पाखे पहुँचवा वर्तमान पुंजुग्मक दुईट भ्रूणाशय मध्य प्रवेश कले प्रवेश वर्तमान कौन हम ना जो दुईट पुंजुग्मक रहा गोटे पुंजुग्मक आमर डिंबाणु डिंबकोष सहित मिलित हो सृष्टि कर जुग्मज बुझीगला। तो वर्तमान एठारे जुग्मज सृष्टि होगा यही जुग्मज कोष हूँ आगामी भविष्य उद्भिद बुझीगला यही कोषर ही नूतन उद्भिद सृष्टि हे तापर आमर जो आगरे आम पढ़ी भ्रूणाशय मझीरे दुईट लगि लगिकी न्यष्टि थिला जहाँ को आम द्वितीय न्यष्टि कहते मिसीगलापर ता कौन आमर मेरु न्यष्टि कहते मिसिकी द्वितीय न्यष्टि परिणत होता। तो वर्तमान ये द्वितीय न्यष्टि सांगे वर्तमान गोटे शुक्राणु जाकि मिसिकी सेटार सृष्टि कर भ्रूण पोषक बुझीगला कौन सृष्टि कर भ्रूण पोषक। तो आम कौन कौन बुझे एठार जो दुईट पुजुग्मक गोटे पुजुग्मक जा डिंबकोष सहित मिसला और सृष्टि कला जुग्मज एवं आमर आउ जो गोटे पुंजुग्मक सीए आम जा द्वितीय न्यष्टि सांगे मिलित हो सृष्टि कला भ्रूण पोष बुझीगला पाने। तो एठारे आम देखिले दुई प्रकार समायन है तो आमर
जो आमर उद्भिद रही सपुष्पक उद्भिद रही सपुष्पक उद्भिद देखा जा समयन को आम दुई समयन कहते गोटे समयन आमर कौन हुए पुंजुग्मक सहित डिंबाणुर एवं अन्य एक समयन पुंजुग्मक सहित द्वितीय कन्याष्टीर बुझीला ये द्वितीय कन्याष्टी जो सृष्टि है भ्रूणपोष ये भ्रूणपोष आम बधिष्णु भ्रूण को आगामी भविष्य में कौन जोगे ना आमर पोषक जोगे बुझीला तो वर्तमान पिलाने आम देखिले यार समयन प्रक्रिया संपूर्ण है आम जो देखा जुग्मजर गुणसूत्र संख्या 2n होता बेले भ्रूणपोषर गुणसूत्र संख्या 3n होता है कहीं आगुरु दुईट न्यष्टी मिस मिलित होकर द्वितीय कन्याष्टी गठित होता एन एन टू एन थी पुणी गोटे शुक्राणु मिसा फल से कौन होगा 3n हो गला बुझीगला जुग्मजर गुणसूत्र 2n और भ्रूणपोषर गुणसूत्र होगा 3n वर्तमान पिलामाने आमर ये मंजी गठित हे से मंजी भितर आमर रण जुग्मज जुग्मज बारंबार विभाजित हो भ्रूण में परिणत हे भ्रूण को आमर भ्रूणपोष भ्रूण उपर कौन भ्रूणपोष रहा भ्रूणपोष शक्त आवरण मंजी रुझीला तापर ये आम गर्भाशय रही गर्भाशय वृद्धि घटी यह कौन हो आमर फल परिणत हे एवं उपरे जो आमर दलमंडल ये सब रही ये वर्तमान सुखी की सब झड़ी एवं फल मध्य आमर से मंजीटी सुरक्षित हो रल भितर आमर भविष्य एक गच रल को आने आम से मंजी को लेकिन जदि उपयुक्त परेश आकुरेट एक नूतन उद्भिद जात हो बुझीला पाने तो आमर ये लिंगीय जनन प्रक्रिय आम कौन लक्ष्य करवा ना नूतन गुणर आविर्भाव होता है जहाँकि अलिंग जनन प्रक्रिय हो न था तो पाने आम समस्ते उद्भिदर लिंगीय जनन प्रक्रिया को कम्प्लीटली भल भाव बुझिले फलिका विषय जाणिले पुंकेश्वर चक्र विषय जाणिले आशा करूँ पाने समस्ते भल भाव भिडियोटी बुझिपारी जदि पाने भिडियो तुमको भल लगुच निहाती भाव में कमेंट सेक्शन में जनइब तुम प्रत्येक कमेंट मुझे पढ़ू निहाती भाव में तुम कमेंट मत प्रोत्साहन दब आगे यहीपर भाव में भिडियो बनवाई पाने जदि चैनल को प्रथम थर भिजिट कर भाव में सब्सक्राइब कर आगू तुम मानपर कंटेन्ट दिजो तो पाने पुणी देखा एक नुआ भिडे रही धन्यवाद।